हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था, हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके 500 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, डेली इसका वीडियो आने वाला है, वो सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। और जल्द ही आज या कल में आपको टॉप 100 मंथली जीए के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले आरआरबी क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए स्ट्रेटजी बताई थी, 15 दिनों के लिए क्या स्ट्रेटजी रह सकती है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, ठीक है। और मैंने उसमें अपना रिजल्ट भी शो किया था लास्ट ईयर का, तो उसमें आप मेरे कंप्यूटर के मार्क्स देख सकते हैं, जीए के मार्क्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही कम समय में वो मार्क्स गेन किए थे, ठीक है। तो चलिए हम कंप्यूटर के जीके को जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही कम समय में आपको जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से तरीके से पढ़ के चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने वन लाइनर फैक्ट में आपके लिए जो है क्वेश्चन एंड आंसर लेके आए हैं, जिससे आपका टाइम भी बचत होगा और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं जो भी डिटेल होगी वो वीडियो में देते चलूँगा सबको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। इन्होंने 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक जो कंप्यूटर, मॉडर्न जो कंप्यूटर था, उसका आविष्कार किया था। तो आपसे अगर पूछे आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर पर भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो ईमेल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंट सर्फ हो जाएंगे इंटरनेट का जनक, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे एक निब्बल किसके बराबर होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है, या फिर आधा बाइट भी आप इसे बोल सकते हैं, आधा बाइट, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो एक एक बाइट होता है वो कितने बिट के बराबर होता है? 8 बिट, 8 का बिट आधा, 8 के आधे कहते हो 4 बिट, यानी कि आधे बाइट के बराबर होता है एक निब्बल, ठीक है। तो आपसे घुमा कर भी वो क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या जो एरर होता है, इसको क्या कहा जाता है? अशुद्धि या जो भी एरर होता है उसको कहते हैं बग, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार, ज़्यादा बार रिपीट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस दिन जो है कंप्यूटर साक्षरता जो है दिवस मनाया जाता है? या 2 दिसंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजलबर्ट हो जाएगा, ठीक है। माउस का आविष्कार अगर पूछे आपसे तो डगलस एंजलबर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था, तो उसका नाम था ENIAC, ENIAC, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दोस्तों, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो ब्राउज़र। जैसे कि आपको देखा मालूम होगा कि आपने कोई सा भी ब्राउज़र खोला, गूगल क्रोम खोला या फिर ओपेरा मिनी खोला, तो ये एक प्रकार के ब्राउज़र होते हैं यहाँ से आप, और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, ब्राउज़र जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जो कंप्यूटर में डाटा हम इनपुट करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन हम बोलते हैं कंप्यूटर में डाटा को। कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? तो बिट हो जाएगी, यानी कि जो बिट होती है, यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जिसमें कंप्यूटर डाटा को लेता है अपने अंदर, तो उसके बिट, उसके बाद बाइट आता है, तो उसके बाद किलोबाइट आता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद आता है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है? यानी कि AI, जैसा कि आपको मालूम होगा AI का दौर चल रहा है इस समय, आपके फ़ोन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है उपयोग होने लगा है, तो इसके जो जनक हैं वो हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है। आपके जो फिफ्थ पीढ़ी के जो भी वो थे ना कंप्यूटर, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज़ किया गया था, तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। इसके बाद है कि कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि ठीक है, कंप्यूटर जो साइंस होती है ना उसके पिता, तो उसके पिता हैं एलन ट्यूरिंग, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट, स्टार लगा लीजिएगा, 10 स्टार कम से कम, डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो कुंजियाँ होती हैं इन्हें कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो मॉडिफायर, इनसे हम मॉडिफाई करते हैं किसी भी आइटम वगैरह को, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मॉडिफायर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी जो पोजीशन होती है किसके द्वारा पता चलती है? देखिए, आप जब भी कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला या वर्ड खोला, तो आप उसमें टाइपिंग करते हैं कुछ, तो आपका ब्लिंकर आता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लिंकर, एक कर्सर सा चलता रहता है वहाँ पर, तो उसको ब्लिंकर या कर्सर हम बोलते हैं, जिससे हमारी पोजीशन पता चलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है ये कौन सी होती है? तो रैम और रोम दोनों ही क्या होती हैं? इसकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है। रैम क्या होती है? अस्थायी होती है, रोम स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो जावा हो जाएगी। ठीक है, जावा का अगर आपसे आविष्कार पूछा जाए तो जेम्स गोसलिंग हो जाएंगे। कौन? जेम्स गोसलिंग। ठीक है, जेम्स गोसलिंग करके हो जाएंगे इसके आविष्कारक। ठीक है, तो इंटरनेट में यही प्रयुक्त होती है लैंग्वेज। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो DPI, दैट इज डॉट्स पर इंच। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। इसका फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो डॉट्स पर इंच हो जाएगा। इसमें इसकी क्वालिटी मापी जाती है। ठीक है, कितनी क्वालिटी है तो उसको डॉट्स पर इंच से नापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में जो जंक ईमेल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम स्पैम। जैसे आपके मोबाइल में भी आता होगा जंक ईमेल, जंक मेल आते हैं, तो उसको हम स्पैम कहते हैं। आप अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें ईमेल में जाइए, इसमें स्पैम करके दिख रहा होगा, तो उसे हम जंक ईमेल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों के शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS पावर पॉइंट है, ये भी सॉफ्टवेयर है, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक भाषा के लिए किया जाता है, यानी कि देखिए कंप्यूटर में जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रान हो जाएगी। ठीक है ना, फोर्ट्रान ऐसी लैंग्वेज जिसका जो प्रयोग है वो साइंटिफिक यूज़ के लिए किया जाता है। अगर इससे आपका फुल फॉर्म पूछे या फोर्ट्रान का, तो देखिए FOR से बना आपका फार्मूला, और ठीक है फार्मूला बन जाता है FOR से, और TRAN से बनता है ट्रांसलेशन। ठीक है ना, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो सबको मालूम है टिम वर्नर्स लीन के द्वारा किया गया था। अगर फ्रेंड आपसे पूछे WWW का क्या अर्थ है, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, WARM। आपसे फ्रेंड्स ये पूछता है कि जो चार W है इसमें लास्ट W का मतलब क्या, तो वॉर्म हो जाएगा, WARM वॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, देखिए WWW का आविष्कार कब हुआ था, तो 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा, जो CD आती है आपकी गोल गोल उसको कॉम्पैक्ट डिस्क तो बोलती है, इसके साथ किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा इसका अन्य नाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, यानी कि सबसे पहले जो कंप्यूटर नेटवर्क बना था वो कौन सा था, तो वो हो जाएगा अर्पानेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, NET का हुआ नेटवर्क, इससे हो गया एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क करके। ठीक है, कब आविष्कार हुआ था, 1966 से 1969, यानी कि 1966 से 1969 के बीच इसका जो है आविष्कार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली जो पद्धति होती है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर पर किसी लॉगिन करते हैं, तो आपकी जो कंप्यूटर पहचान करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना, सत्यापन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन उसे बोलते हैं। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, तो सबको मालूम है सुपर जो कंप्यूटर होता है सबसे पावरफुल हो जाएगा। वाईफाई का पूर्ण रूप पूछा गया, जो कि आप चलाते हैं वाईफाई, उसका पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है ना, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चलते हुए प्रोग्राम या कंप्यूटर का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं। देखिए, आपका कंप्यूटर चल रहा था, उसमें कोई प्रोग्राम खुला था, वो बंद हो गया अचानक, तो उसे क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं क्रैश हो जाना। ठीक है, क्रैश हो गया मतलब एकदम से। नेक्स्ट देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये फुल फॉर्म है ना, तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा, फुल फॉर्म तो बिल्कुल पूछे ही जाना है, उसमें एक से दो फुल फॉर्म आपको जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, एक से दो आपको जो है शॉर्टकट जो की होती है वो भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, ये कैसी होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड, आप अगर कोई भी कंप्यूटर, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है तब तक तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्या? सॉफ्ट कॉपी। और जैसे ही आप उसे बाहर निकालेंगे प्रिंट के रूप में, पेज के रूप में, तो हो जाएगी हार्ड कॉपी, यानी कि वो आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो हार्ड कॉपी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, यानी कि मेन जो सिस्टम बोर्ड होता है उसको कहते हैं, तो मदरबोर्ड कहते हैं हम कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को। ठीक है, IPv6, ये क्वेश्चन रट लीजिएगा बिल्कुल, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक IPv6 और एक IPv4। ठीक है, तो IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, 128 बिट। IPv4 में कितने होते हैं, 32। आपसे इनका डिफरेंट भी पूछा जाता है कि ये कितना अधिक है, तो 96 अधिक हो जाएगा IPv6। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पैरेलल पोर्ट जो होता है मुख्यतः प्रिंटर में यूज़ किया जाता है, जो प्रिंटर होता है इसके लिए हम पैरेलल पोर्ट का यूज़ करते हैं। गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो सबको मालूम है गूगल क्रोम जो है गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र हो जाएगा।
कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है यूएसबी का पूर्ण रूप हो जाएगा। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का आविष्कार किस लिए किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है पेंटियम शब्द, ठीक है ना। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर वही होता है जो आपकी चिप होती है, यानी कि ठीक है एक चिप होती है, एक प्रकार की माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 40वां प्रश्न हम कर लेते हैं, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, जिसे हम MAC भी बोलते हैं। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड, आप बैंक में जाते हैं तो चेक जो होता है उसको एक रीड करने की विधि होती है, जिसे हम बोलते हैं MICR करके, ठीक है। आपसे फ्रेंड ये पूछ लेता है कि MICR का फुल फॉर्म बताइए, या फिर MICR दे देगा, उसमें पूछेगा सी का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, तो इसका आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इसका होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही आपके सोच समझ के बनाया गया, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है मिलने वाला है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। देखिए हम जो है पांच पीढ़ी हैं उसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रथम पीढ़ी हो गई वैक्यूम ट्यूब, अगर आपसे पूछे सेकंड में क्या था, सेकंड में थे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगर आपसे पूछे थर्ड पीढ़ी में क्या था, तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में क्या था, फोर्थ में थे आपके माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में थे। और अगर फिफ्थ जनरेशन पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, AI, ठीक है, सारे हमने बता दिए। अब पूछा है वर्ल्ड वाइड वेब को का बैकबोन किसे कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो बैकबोन है वो HTTP को कहते हैं। फ्रेंड्स आप जब भी कोई भी साइट डाउनलोड करते होंगे तो आपको लिखा आता होगा कि www.http करके ऐसा कुछ लिखा आता था, ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं HTTP को बैकबोन, वर्ल्ड वाइड वेब का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वायरस, फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वायरस क्या है, तो वायरस एक प्रकार का क्या है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि इनमें से वायरस को हम क्या बोल सकते हैं, तो प्रोग्राम होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं, तो कंपाइलर बोलते हैं उसको, जो उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो कहाँ पर जाते हो, गूगल क्रोम पर जाते हो, तो उसको हम ब्राउज़र बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में किसी भी वेब को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन? देखिए कंप्यूटर में आपका कोई पेज चलता नहीं तो आप क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं उसको ना, रिफ्रेश, तो ये याद हो जाएगा आपको, कंप्यूटर में किसी भी वेब प्रेस को फिर से लोड करना है, रिफ्रेश। कंप्यूटर में UPS का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। तो फ्रेंड आपको मालूम होगा, आपके पास अगर कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर है, तो आपके पास एक UPS होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो UPS यहाँ बटन होता है, तो आपको मालूम ये बैकअप पावर प्रदान करता है, अगर बिजली चली जाए तो 10 से 15 मिनट तक आपको ये बैकअप देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतिम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी जरा भी अगर अच्छा लगा ना, तो जल्दी से इसको दोस्तों के शेयर कर दीजिए, अब जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, और हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, या आप कोई भी, मतलब आपने जैसे कोई भी SBI लिया, SBI को आप अगर इस तरीके से फॉर्म कर दें कि SBI ये है, स्थापना इस तरीके से हुई, इस तरीके से आपने बता दिया, मतलब एरो कर करके, है ना, यहाँ पर भी बॉक्स दे दिए कुछ, मतलब स्थापना हुई 1955 में, कौन सी समिति थी, गोरेवाला, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट हो जाए। तो देखिए, हमारे समझाने का तरीका भी आपको अगर पसंद आया ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टॉप 100 मंथली क्वेश्चन और साथ ही टॉप 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन अगले वीडियो में लाने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।